इस साल का सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड इवेंट था T20 वर्ल्ड कप, जो फिलहाल तो हमने जीत लिया है। और दूसरा मोस्ट अवेटेड आइटम है महिंद्रा की 5-डोर थार, जो असल मायने में एक ट्रू SUV कार है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल मीडिया, हर जगह पब्लिक का बस एक ही सवाल था, आखिर कब होगी महिंद्रा की 5-डोर थार लॉन्च। फिलहाल आपके इंतजार घड़ियां अब खत्म हुई। इंडिया में महिंद्रा ने अपने थार का 5-डोर वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो अब एक नए नाम थार रॉक्स के नाम से जानी जाएगी। तो आज के दिन यानी 15 अगस्त को महिंद्रा थार रॉक्स ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई है। मैं हूं आपका दोस्त अजय आर्या, आप देख रहे हैं आर्या ऑटो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च्ड महिंद्रा थार रॉक्स के प्राइस और फीचर्स के बारे में, और जानेंगे कौन होगा इसका सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, और क्या कुछ खास फीचर मिलता है इसके बेस वेरिएंट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के बेस मॉडल यानी महिंद्रा थार रॉक्स MX-1 से, और बताएंगे आपको इसमें क्या कुछ खास नया फीचर देखने को मिलता है। इसके बेस मॉडल से ही आपको नई लुक वाली ग्रिल देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको न्यू LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, न्यू LED टेल लैम्प और 18 इंच का टायर भी मिलने वाला है। मतलब न्यू थार रॉक्स के बेस मॉडल काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, जिसमें आपको बाहर से कुछ भी मॉडिफाइड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय इसके एलॉय व्हील की। अगर बात करें इस गाड़ी के बेस मॉडल के इंटीरियर की, तो इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको टॉप मॉडल की फील आने वाली है, क्योंकि इसमें 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पुश बटन स्टार्ट का फीचर देखने को मिलेगा। रियर AC वेंट के साथ आपको USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। 60-40 स्प्लिट रियर सीट, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, और तो और इसके बेस मॉडल से ही आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे तगड़े फीचर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें महिंद्रा थार रॉक्स के सेफ्टी की, तो यहाँ पहले भी थार की सेफ्टी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड थी, और थार रॉक्स भी एक स्टेप ऊपर ही रहने वाली है। अगर बात करें न्यू थार में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर की, तो इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS विथ EVD, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल जैसे फीचर मिलने वाले हैं। अब अगर सबसे जरूरी बात इसकी प्राइसिंग की कर लें, तो पुरानी 3-डोर थार का पेट्रोल बेस मॉडल 14,30,000 में मिलता था, और डीजल बेस मॉडल की कीमत 11,35,000 से शुरू होती थी। अब अगर बात करें अपने न्यू थार रॉक्स की, तो यहाँ आपको पेट्रोल बेस मॉडल के लिए 12,99,000 रुपए पे करने होंगे, जिसमें आपको इस गाड़ी का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन ही मिल पाएगा। और बात करें इसके डीजल बेस मॉडल की, तो इसके लिए आपको 13,99,000 रुपए खर्च करने होंगे मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के लिए। भाई, इस बार महिंद्रा ने अपने न्यू थार रॉक्स की प्राइस काफी ज्यादा एग्रेसिव रखी है। इस बार ये गाड़ी इंडियन कार मार्केट में काफी धमाल मचाने वाली है। हालांकि ये अभी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, बाद में ये प्राइस बढ़ भी सकती है, और इनका वेटिंग पीरियड काफी लंबा रहने वाला है। अब अगर बात करें अपने न्यू महिंद्रा थार रॉक्स में मिलने वाले इंजन ऑप्शन की, तो यहाँ आपको बेस मॉडल से ही 2 लीटर 4 सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो 160 BHP की पावर और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है, जो पिछले थार की तुलना में ज्यादा टॉर्क की इंजन रहने वाला है। और बात करें इसमें डीजल इंजन की, तो यहाँ आपको 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो 150 BHP की पावर और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है। थार रॉक्स आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में देखने को मिल जाएगी। अभी अपने न्यू महिंद्रा थार का फुल प्राइस रेंज डिस्क्लोज नहीं किया गया है, प्राइस अनवील होने पर ये अपडेट मैं आपको दे दूंगा। न्यू थार रॉक्स की सबसे ज्यादा अमेजिंग बात मुझे ये लगी कि यहाँ आपको काफी शानदार फीचर इसके बेस मॉडल से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इसके टॉप मॉडल में आपको डुअल 10.25 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कम्बो देखने को मिल जाएगा, को लेवल 2 का एडास फीचर, 360 डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाएंगे। एक बड़ी नई पैनारोमिक सनरूफ इस बार न्यू महिंद्रा थार रॉक्स का सबसे हाइलाइटेड फीचर तो है ही है। ऊपर से महिंद्रा ने अपने थार के बेस मॉडल को जिस किलर प्राइस पे लॉन्च किया है, और इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट के लगभग सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, महिंद्रा थार रॉक्स की लॉन्चिंग अभी चल रही है, जिसमें अभी और डिटेल निकल के आने वाले हैं। पूरी डिटेल के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो दोस्तों, ये था महिंद्रा थार रॉक्स का हाइलाइटेड फीचर। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये अपडेट, कमेंट करके बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए आर्या ऑटो।